राधा किशन सुपर मार्केटिंग। बचपन से लेकर 55 तक हर उम्र के रेडीमेड कपड़े, साड़ियों का संपूर्ण कलेक्शन एवं विशाल रेंज, गर्ल्स वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर, लेडीज वेयर, सभी एक ही स्थान पर। बेहतरीन क्वालिटी, वाजिब दाम, राधा किशन सुपर मार्केटिंग की पहचान। राधा किशन सुपर मार्केटिंग, बूंदा बहु मंदिर कॉम्प्लेक्स, घंटाघर के पास। खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से राय चौराहा। दमोह नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ आगामी 4 तारीख को आने वाला अविश्वास प्रस्ताव अब नहीं आएगा। इसे लेकर दमोह कलेक्टर ने एक आदेश जारी किया है और पूर्व घोषित सम्मेलन को स्थगित कर दिया गया है। दरअसल कांग्रेस शासित दमोह नगर पालिका को लेकर भाजपा पार्षदों ने अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने कलेक्टर को आवेदन दिया था, जिसे लेकर आगामी 4 सितंबर को एक सम्मेलन बुलाया गया था। इस बीच कांग्रेस की नगरपालिका अध्यक्षा मंजू वीरेंद्र राय ने हाईकोर्ट जबलपुर में एक याचिका दायर की थी और मामला कोर्ट में पहुंच गया है। कोर्ट में इस मामले में सुनवाई होनी है, जिसे लेकर कलेक्टर ने महाधिवक्ता से राय ली। कलेक्टर सुधीर कोचर के मुताबिक चूंकि मामला कोर्ट में है, लिहाजा जब तक कोर्ट इस मामले में फैसला नहीं दे देता तब तक अविश्वास जैसी किसी प्रक्रिया को नहीं किया जा सकता। किया गया था उस प्रकरण में राज्य सरकार से अधिसूचना जारी होने के बाद मैंने ये आवश्यक समझा था कि इस विषय में महाधिवक्ता मध्य प्रदेश जबलपुर का अभिमत लिया जाए। हमने उनका अभिमत लिया जो कि कल हमको शाम को प्राप्त हुआ, और उस अभिमत में ये चीज़ ज्ञात हुई कि माननीय अध्यक्ष नगरपालिका दमोह द्वारा एक याचिका माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है, जिसमें उन्होंने जो अपर कलेक्टर दमोह द्वारा जो नोटिस जारी किया गया है 4 तारीख के सम्मेलन का, उस नोटिस को और सम्मेलन को आहूत करने को, दोनों चीज़ों को उन्होंने चुनौती दी है। और ये भी महाधिवक्ता के अभिमत में बताया गया कि 3 तारीख को उस पर माननीय न्यायालय में सुनवाई नियत है। ऐसी स्थिति में चूँकि मामला सब जुडिस है, न्यायालय में विचाराधीन है, तो इसीलिए हमने एक आदेश पारित करते हुए अंतिम निर्णय तक, जब तक कि माननीय उच्च न्यायालय का अंतिम निर्णय नहीं आता तब तक के लिए जो प्रक्रिया सम्मेलन की और आहूत करने की थी उसको स्थगित किया है। जो नए अधिनियम आया सर, उसके हिसाब से भी 3 साल तक के लिए अविश्वास प्रस्ताव नहीं जा सकता जी। मेरा वही निवेदन है कि चूंकि अब ये मामला पूरा माननीय उच्च न्यायालय में है, तो इस पर इसकी मेरिट पर कोई टिप्पणी करना ठीक नहीं है। जो माननीय उच्च न्यायालय निर्णय देगा उसके परिप्रेक्ष्य में फिर आगामी कार्रवाई की जाएगी। शुभम शॉपिंग शोरूम, शादी विवाह के शगुन का पूरा सामान अब मिलेगा एक ही स्थान पर। सोफा, पलंग, ड्रेसिंग, अलमारी, कूलर, टीवी, कंबल, तकिया, बेडशीट, सूटकेस, गद्दे, गीजर, वॉशिंग मशीन और भी बहुत कुछ। फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। हालांकि पुलिस अधीक्षक का कहना है